हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम ज़्यादातर सभी के जानकारी का और हम बाग प्रेमियों द्वारा मोस्टली सभी जगह ग्रो किया जाने वाला जिसे कॉमनली कनेर का पौधा कहा जाता है उसके बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इन कनेर के पौधों की ड्यूरेबिलिटी और इनके फूलों की मीठी मनभावन खुशबू के कारण इन पौधों को ग्रीक रोमन जैसे प्राचीन सभ्यताओं के काल से हमारी बागबानी में ग्रो किया जाता रहा है। मतलब हमारी बागबानी में इन पौधों की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। इस पौधे का साइंटिफिक नेम नेरियम ओलियंडर है और एपोसिनेसी परिवार में दुनिया भर में इनकी लगभग 400 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है। मूल रूप से इन पौधों की नेटिव लैंड भूमध्य सागरीय बेसिन है और भूमध्य सागरीय बेसिन में एशिया, अफ्रीका और यूरोप इन तीन महाद्वीपों का भौगोलिक प्रदेश समाविष्ट होता है जो इन पौधों की नेटिव लैंड मानी जाती है। एशिया में भारत और चाइना का प्राकृतिक आवास इन पौधों का मूल निवास माना जाता है। प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इन पौधों को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि कनेर, करवीरा, कागार, अरेली, कनागलू इत्यादि। दोस्तों, इन कनेर की बौनी किस्मों के अलावा इनकी देसी प्रजातियाँ एक गोल फूलदानी के आकार जैसी बढ़ने वाली झाड़ियाँ हैं जो हाइट में न्यूट्रिशन की आपूर्ति अनुसार 6 से 7 मीटर की ऊंचाई तक भी बढ़ सकती हैं। लेकिन नए से विकसित की गई इनकी डॉर्फ या बौनी किस्में एवरेजली 2 फीट से लेकर 2 मीटर तक ऊंचाई में बढ़ती है। इस तरह वेरिगेटेड पर्ण समूह के साथ सिंगल और डबल पंखुड़ियों वाली वराइटीज़ इन कनेर के फूलों में आती हैं, जिसमें कॉमनली लाल, सफ़ेद, पीला, गुलाबी ऐसे कलर शेड आते हैं। यह फूल पौधों के हर शाखाओं के सिरों पर गुच्छे या क्लस्टर्स में खिलते हैं। सामान्य तौर पर इनके एकल फूल 5 पंखुड़ियों वाले होते हैं जिनका डायमीटर एवरेजली 1 से 1.5 इंच तक होता है और फूलों के सेंटर से फूलों के कलर शेड से सिमिलर पुंकेसर निकलते हैं। साथ में इन फूलों की सभी वैरायटीज सेंटेड नहीं होती। खासकर डबल पेटल वाले देसी किस्मों के फूल एक बहुत ही मीठी मनभावन खुशबू वाले होते हैं। साथ में कुछ सिंगल और डबल पेटल वाली क्रॉस वैरायटीज भी बेहद सुगंधित होती है। मैंने शूट की हुई यह सिंगल पेटल वाली और येलो शेड वाली वैरायटी बेहद सुगंधित है और इस वैरायटी को ऑयल ऑफ कैप्री के नाम से जाना जाता है। साथ में इनके सिमिलर दूसरी वैरायटीज़ के फूल सिर्फ ऑर्नामेंटल या फिर दिखावटी होते हैं, जिनमें कोई भी सुगंध नहीं होती। दोस्तों, इन कनेर के फूलों में शहद की मात्रा ना के बराबर ही होती है, इसलिए मधुमक्खियाँ और तितलियाँ इन फूलों की तरफ आना कुछ खास पसंद नहीं करती। लेकिन इनके देसी और खुशबू वाले क्रॉस वैरायटीज़ के फूल पूजा विधि में भगवान के चरणों पर चढ़ाए जाते हैं। यहाँ तक कि इन कनेर के लाल फूलों को सिंबॉलिकली माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो यह कनेर के पौधे गर्म ट्रॉपिकल जोन में ईयर राउंड फ्लावरिंग करने वाले पौधे हैं, लेकिन समशीतोष्ण कटिबंध में या फिर सब ट्रॉपिकल जोन में इनका फ्लावरिंग सीजन अर्ली समर से लेकर पतझड़ तक होता है। मोस्टली इन कनेर के फूलों का हेवी फ्लावरिंग समर सीजन में अपनी चरम सीमा पर होता है। समर सीजन में इस पौधे पर मल्टीपल कलियों के घोंसले निकल आते हैं, जिसके बाद इन पौधों पर एक के बाद एक लगातार फूल खिलते रहते हैं। दोस्तों, इस कनेर की पत्तियां इस तरह नोकदार सिरों वाली होती है, जिनका स्पर्श हाथों को हल्का खुरदुरा महसूस होता है। लंबाई में यह पत्तियां वैरायटी अनुसार 4 से 7 इंच लंबी होती हैं और 1.5 से 1 इंच चौड़ी होती है। खासकर देसी कनेर की पत्तियाँ क्रॉस वैरायटीज की तुलना में ज़्यादा लंबी और आकार में बड़ी होती है और मुख्य स्टेम के दोनों तरफ अल्टरनेट पोजीशन में यह विकसित होती हैं। पत्तियों को दुभाजित करने वाली मध्य शिरा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सिमिलैरिटी में एक नौका जैसा इन पत्तियों का आकार होता है और साथ में इन कनेर की सूखी पत्तियों को जलाने से उनमें से जहरीला धुआं भी निकलता है। दोस्तों, ज़्यादातर देसी कनेर के पौधे जब परिपक्व अवस्था में पहुँच जाते हैं तब इनकी स्टेम इस तरह उड़ी टाइप की बनने लगती हैं और हाइट बढ़ने के साथ साथ यह पौधे बाहर की तरफ एक फूलदानी की तरह झुकने लगते हैं और समर सीजन में यह पौधा फूलों के गुच्छों से भर जाता है। दोस्तों, इन कनेर के पौधों की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधे पूर्ण सूरज की रोशनी में पनपने वाले या बढ़ने वाले पौधे हैं, इसलिए इन पौधों को हमें कभी भी शेडी एरियाज में नहीं लगाना है। चाहे यह पौधे आउटडोर गार्डन में हों या फिर हमारे प्लांट गैलरी में पॉट्स या कंटेनरों में लगाए गए हों, इन पौधों को अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए दिन भर की कम से कम 5 से 6 घंटे की सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है और इन पौधों का मेन फ्लावरिंग पीरियड समर सीजन में ही होता है।
इसलिए हमारी प्लांट गैलरी में इन पौधों को हमें टोटली सनी लोकेशन वाली जगह ही लगाना है। इन पौधों को साल भर सूरज की पर्याप्त रोशनी मिले, इसलिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में मोस्टली सब ट्रॉपिकल जोन में साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन में इन पौधों को हमें लगाना है। और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन में इन पौधों को हमें लगाना है, क्योंकि सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन काल में इस लोकेशन में सूरज की रोशनी हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, इन कनेर के पौधों के वाटरिंग नेड के बारे में देखा जाए तो पौधे जब तक सेट नहीं होते तब तक इनकी वाटरिंग नेड थोड़ी सी मीडियम कैटेगरी में आती है, लेकिन आउटडोर गार्डन में पौधा एक बार सेट होने के बाद इनकी जड़ें जमीन की सतह के पास चारों ओर गहराई तक फैलती है, जिससे आसपास की नमी को सोख कर यह पौधा पानी की आपूर्ति खुद कर लेता है। इसलिए एक बार आउटडोर गार्डन में सेट हुए पौधों की वाटरिंग नेड के बारे में हमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जगह के अभाव के कारण हमने हमारी प्लांट गैलरी में लगाए गए पॉट प्लांट्स के पौधों के लिए हमें पॉट्स की मिट्टी की ऊपरी सतह सूखने के बाद या फिर टॉप सॉइल सूखने के बाद वाटरिंग करनी है। साथ में इन पौधों की जड़ें ज़मीन के अंदर गहराई से फैलने के बजाय ज़मीन की सतह के पास थोड़ी सी फ्लैट पोजिशन में फैलती है, इसलिए इन पौधों के लिए गहरे पॉट्स के बजाय थोड़े से चपटे कंटेनर साइज पॉट्स चूज़ करना बेहतर होता है। दोस्तों, इन कनेर के पौधों को बहुत ही लो मेंटेनेंस के साथ ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि सभी प्रकार की उपजाऊ और कम उपजाऊ मिट्टी में भी यह पौधे काफ़ी अच्छी तरह से फलते फूलते हैं। इसलिए इनकी ज़्यादातर देसी वराइटीज़ आउटडोर गार्डन की मिट्टी में स्थित अवेलेबल न्यूट्रिशन पर ही अपना काफ़ी अच्छा विकास करती हैं। लेकिन पॉट प्लांट्स के लिए और कुछ क्रॉस वराइटीज़ के लिए हमें बेसिक पॉटिंग मिक्सचर वेल्ड्रेन बनानी है, जिसमें वन पार्ट किसी भी ऑर्गेनिक खाद को हमें ऐड करना है। और इन पौधों के मेन फ्लावरिंग सीजन में इनकी जड़ों के पास एनपीके बेस मेंटेन करने के साथ अच्छी फ्लावरिंग के लिए फॉस्फोरस बेस खाद हमें इन पौधों को देनी है, क्योंकि फॉस्फोरस बेस खाद से किसी भी फ्लावरिंग प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग आती है। साथ में डॉर्फ या फिर क्रॉस वराइटीज़ के अलावा देसी पौधों को हम छटाई के द्वारा या फिर कटिंग्स के द्वारा मर्यादित रख सकते हैं। दोस्तों, विषाक्तता के बारे में देखा जाए तो यह कनेर के पौधे हमारे लिए और ज़्यादातर सभी जानवरों के लिए विषैले हैं, क्योंकि इन पौधों के शरीर में कार्डियक ग्लाइकोसाइड जैसा पावरफुल रसायन पाया जाता है। इसलिए इस पौधे के ओरली कनेक्शन से या फिर इसे चबाने से इंसान या फिर जानवरों के हृदय की गति में इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। साथ में जी मचलना, लार आना, उल्टी, दस्त जैसी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। साथ में इस पौधे में जो मिल्की सैप होता है वह त्वचा में जलन पैदा करता है, इसलिए ज़्यादातर स्किन एलर्जी वालों को हाथों में दस्ताने पहनकर ही इस पौधे को हैंडल करना है। इस पौधे का सैप त्वचा पर लगने पर डर्मेटाइटिस जैसी या फिर एक्जिमा जैसी स्किन एलर्जी हो सकती है, इसलिए सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को इस पौधे को थोड़े से केयरफुली हैंडल करना है। इस पौधे की विषाक्तता के बारे में और एक उदाहरण देखा जाए तो अफ्रीका की पारंपरिक शिकार पद्धति में तीर के या फिर बाणों के अग्र पर इस पौधे का सैप या फिर इस पौधे से निकलने वाला रसायन लगाया जाता था, जिससे वह तीर जहरीले बन जाते थे, जिससे इस पौधे की विषाक्तता को आप समझ सकते हो। साथ में फ्लावरिंग पीरियड के दौरान इन पर लगने वाले यह टैबलेट टाइप फल भी विषैले होते हैं। इस कनेर के पौधे के विषैले गुणों के कारण इन पौधों पर कोई हार्मफुल डिजीज भी नहीं दिखाई देती, लेकिन कभी कभार ओलियंडर स्केल या फिर ओलियंडर कैटरपिलर इनकी पत्तियों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, जिसके इलाज के लिए प्राइमरी स्टेज में हम नीम ऑयल, साइट्रस ऑयल या फिर देसी गाय के गोमूत्र का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पौधों का प्रोपेगेशन हम इनके स्टेम कटिंग से या फिर इनके बीजों से वसंत की शुरुआत में या फिर रेनी सीजन में आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादातर रेनी सीजन में बिना रूट हार्मोन्स के इनकी कटिंग्स पर नए शूट्स बहुत जल्द आ जाते हैं। सजावट के तौर पर इन कनेर के पौधों को हम सिंगल पॉट्स के साथ बॉर्डर्स या फिर हेजेस पर ग्रो कर सकते हैं। इन पौधों की पत्तियों की कड़वाहट और विषाक्तता के कारण कोई भी गाय, भैंस, बकरी वगैरह प्राणी इन पौधों को नहीं खाते, इसलिए बिना किसी फेंसिंग के बॉर्डर्स पर यह पौधे काफ़ी सुरक्षित रहते हैं। साथ में यह कनेर के पौधे इतने हार्डी होते हैं कि इन्हें ज़मीन की सतह तक भी काटा जाए तो भी बहुत ही हार्डली यह पौधे जड़ों द्वारा पुनरुत्पादित होते हैं। और इन कनेर के पौधों के इसी ड्यूरेबिलिटी के कारण अमरीका के टेक्सास प्रांत के गैल्वेस्टिन द्वीप पर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में इन कनेर के पौधों को लगाया गया है, क्योंकि अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा तूफान, जिसे गैल्वेस्टिन तूफान के नाम से जाना जाता है, उसने इस गैल्वेस्टिन द्वीप को तहस नहस कर दिया था। और उस महाविनाशकारी तूफान के बाद गैल्वेस्टिन द्वीप पर अगर कोई पौधे डट कर खड़े थे तो वह यह कनेर के प्रजाति के पौधे थे।
और उसके बाद इन पौधों की इसी ड्यूरेबिलिटी के कारण गैल्वेस्टन द्वीप पर प्रचुर मात्रा में इन पौधों का प्लांटेशन किया गया, जिसे आज हम गैल्वेस्टन सिटी या फिर ओलियंडर सिटी के रूप में जानते हैं। और हर वसंत में गैल्वेस्टन द्वीप पर ओलियंडर फेस्टिवल मनाया जाता है। दोस्तों, इन कनेर के पौधों को या फिर फूलों को हम एक नव निर्माण का प्रतीक भी कह सकते हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा शहर पर जो परमाणु विस्फोट किया गया था, उस परमाणु विस्फोट के बाद जमीन से निकला हुआ पहला अंकुर, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वह हिब्नोबाम्बुसा का था। और महाविनाशकारी न्यूक्लियर विस्फोट के बाद कुदरत की गोद से खिला हुआ पहला फूल इसी कनेर का था, जो हमें विपरीत परिस्थिति में भी खड़े रहने की सीख देता है। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।